71 के युद्ध में भाग लेने वाले बीएसएफ जवान, सैनिक एवं उनके परिवार को सम्मान किया गया। दरअसल 1971 के युद्ध पर पाकिस्तान पर भारत की विजय के 50वें वर्ष के प्रवेश होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति को प्रज्वलित कर स्वर्णिम विजय मशाल शहीदों का सम्मान देने एवं आमजन तक शौर्य, वीरता एवं बलिदान की गाथा पहुंचाने के लिए पूरे देश में भारतीय सेना के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में आज ये मशाल इंदौर पहुंची, जिसे महू से पहले इंदौर और फिर इंदौर स्थित बीएसएफ कैंपस में सम्मानित रविन्द्रनाथ गृह में लाया गया। वहीं आज आयोजन कार्यक्रम में 171 के युद्ध में भाग लेने वाले बीएसएफ के जवान, सैनिक व उनके परिवार का सम्मान किया गया। इस मौके पर लोगों की आंखों में गर्व से आंसू नजर आए। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि स्वर्णिम विजय मशाल का इंदौर आगमन पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है। कार्यक्रम में बीएसएफ के बैंड ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी। '71 के युद्ध में हुई हमारी ऐतिहासिक विजय और उसमें शामिल हुए सैनिकों और शहीदों को सम्मान देने के लिए हम इंदौर में सीएसडब्ल्यूटी बीएसएफ इंदौर को ये जिम्मेदारी मिली कि जो आने वाली मशाल का स्वागत किया जाए, और उसके लिए हम यहाँ सब रविंद्र नाट्य गृह में मौजूद हैं। सीमा सुरक्षा बल 1971 में ईस्ट और वेस्ट की सीमाओं पर तैनात है थी उस समय, और युद्ध में सीमा सुरक्षा बल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, और पहले मुक्ति वाहिनी के साथ मिलके इस युद्ध को जीतने की भूमिका हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने निभाई, जिसमें हमारे बीच मोहम्मद जियाउल्ला सर हैं और वीके अग्निहोत्री जो आईजी रिटायर्ड हैं वो भी इसमें शामिल थे, जो कि इंदौर के हैं। 150 साल पूरे कर रहे हैं अभूतपूर्व विजय के। जय हिंद, जय भारत। '71 की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी और भारत विजयी हुआ था, उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वर्ण मशाल पूरे देश में आर्मी के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है, उसी के अंतर्गत इंदौर में भी बीएसएफ के माध्यम से आज मशाल यहाँ आई। हमने उन सैनिकों का सम्मान किया जो उस लड़ाई में थे, उनको श्रद्धांजलि दी जो इसमें शहीद हुए। तो ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है।